हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जामिर, मैं जा रही हूँ थाना साने टोपी पहन के। हाँ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सब तो कैसे हैं? और देखिए जानवी राव अब जा रही है धान का काम करने। धान में क्या काम करोगी भाई? ओसाऊंगी। कैसे ओसाओगी? तो आइए देखते हैं, जानवी राव धान ओसाती है और हम लोग अभी अपने घर पर हैं। तो गाइस अभी सुबह सुबह का समय है, आज हम लोग मार्केट अभी नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सबसे पहले अपने घर पर धान की ओसाई करना है। तो धान ओसाएंगे, उसके बाद हम लोग मार्केट में जाएंगे। और देखिए हमारे घर जो कि हालांकि हाथ वाला पंखा है, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए बिजली के पंखे से यानी फराटा पंखा जो होता है उससे धान की ओसाई कर रहे हैं। उसके बाद लाइन आती है तो हम लोग, तो दोस्तों लाइन आ चुकी है, फाइनली लाइन आ चुकी है और अब हम चलते हैं और अपना जो धान ओसाते हैं। और हम तो नहीं ओसाएंगे, लेकिन जानवी राव ओसाएंगी और जानवी राव की मम्मी ओसाएंगी। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से धान ओसाते हैं। चलो करो भाई। तो देखिए जानवी राव ने पंखा चालू कर दिया है और अब धान ओसा रही है। देखिए जानवी राव धान ओसा रही है, बहुत अच्छे से धान ओसा रही है भाई। तो देखिए दोस्तों हम लोग धान ओसा रहे हैं, धान की सफाई हो रही है, उसके बाद धान को सुखाया जाएगा। धान सुखाएंगे, फिर ओसाएंगे, ओसाकर धान सुखाएंगे, फिर दराएंगे। फिर क्या बन जाएगा? चावल बन जाएगा। चावल से फिर क्या क्या बनता है पहले बताओ। इधर भात, खिचड़ी और मीठा भात, खीर। हाँ तो देखिए हमारी वाइफ भी ओसा रही हैं और फराटा पंखा हम लोग ने लगाया है ओसाने के लिए और फराटे पंखे से ओसा रहे हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह सुबह का टाइम है, मैं खाना बना चुकी हूँ और धान को ओसा रही हूँ। कूड़े कबाड़े थे इसलिए उसको ओसा रही हूँ। तो देखिए जानवी राव धान ओसा रही है इस तरह से। बोला हाँ दोस्तों, धान ओसाने जा रही हो। धान ओसा कर क्या करोगी? दराएंगे। दराएंगे। अच्छा वो तो चावल बन जाएंगे। अच्छा तो गाइस फाइनली अब हम लोग का धान देखिए ओसाया जा चुका है। तो हम लोग का धान ओसाया जा चुका है और अब हम लोग अपने धान को ओसा करके यहाँ पर रख दिया, थोड़ा सा और बचा हुआ है उसको भी रख लेते हैं। उसके बाद जो कि अब हम चलते हैं नहाएंगे और नहाने के बाद खाना खाएंगे, खाना खा के फिर चले जाएंगे। तो भाई दुकान हमने दोस्तों अपना घर का काम कर लिया और अब नहा करके आ चुके हैं और अब जा रहे हैं खाना खाने। चूँकि दोस्तों समय हो चुका है, लगभग 11 बज चुके हैं, तो हम अब दुकान पर भी जाना है हमको। तो अब जाते हैं दुकान पर, उससे पहले कि हम थोड़ा सा नाश्ता करेंगे उसके बाद जाएंगे दुकान पर। तो आइए हम थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। तो गाइस देखिए हमारा खाना आ चुका है और अब हम खाना खाएंगे, खाना खा करके और चलते हैं अपने दुकान पर। और देख सकते हैं आज हमारे खाने में दाल और पालक की जो बनती है उसको बोलते हैं साग पैता। इधर हमारे इधर साग पैता बोलते हैं, दाल और पालक आपस में मिला करके उसको बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम खाना खाएंगे उसके बाद चलेंगे दुकान पर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने दुकान पर, चूँकि समय काफ़ी हो गया है और हमने खाना पीना खा लिया है और अब हम चलते हैं अपने दुकान पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, राम, जय हिंद।